नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल पर सियासत का दंगल जारी है। किसानों के साथ विपक्षी पार्टियों ने सुपर एक्टिव होते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है, जिसके चलते किसानों और सरकार के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सरकार की तमाम दलीलों के बावजूद किसान तीनों कृषि बिल को वापस लेने की मांग से पीछे नहीं हट रहे हैं। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों की नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। किसान इस काले कानून को रद्द कराने की मांग पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रदर्शन करने वाले किसानों को विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों में सपाइयों ने पूरे यूपी में उग्र प्रदर्शन किया। बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच बीजेपी अब देश भर में कृषि कानूनों पर जन समर्थन जुटाने के लिए किसान सम्मेलन और चौपाल शुरू कर रही है। बीजेपी ने देश भर में 700 जगहों पर चौपाल लगाने का ऐलान किया है। बीजेपी इन चौपालों के जरिए किसानों के बीच कृषि कानूनों को लेकर फैली गलतफहमी दूर करने और किसानों को कानून के फायदे गिनाने का काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है हमारी इस खास रिपोर्ट में। तीनों जो कानून बने हैं किसानों के लिए, उसकी वजह से किसान वैसे ही परेशान था। किसान की लागत नहीं निकल पा रही थी। जो किसानी करता है, मुझे तो इसलिए पता है, मैंने तो किसानी की है, मैंने तो बैलों वाला हल भी चलाया है, मैंने फावड़ा भी चलाया, मैंने खुरपी भी चलाई है, और यहां तक कि मैंने तो जो पैदा किया है मंडी में बेचा भी है। सच मोदी जी को पता नहीं कि मंडी में कितने लोग मंडी पर निर्भर हैं। और क्यों ऐसा कानून बना, और जो भी कानून बना है, जो भी कानून मोदी जी ने बनाया है, वो देश हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है। वो कानून केवल बना है कुछ ही उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपतियों के लिए। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी के कानून मंत्री का पक्ष भी सामने आया है। तो चलिए जानते हैं कृषि बिल पर किसानों की क्या स्थिति है। साथ ही कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कृषि बिल को लेकर प्राइम टीवी पर क्या बोला, ये देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। किसानों का इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। पूरी तरह से विपक्ष ये चाहता है, जो सत्ता विहीन है, कुर्सी खो चुकी है, जनता ने नकार दिया है, वो किसान आंदोलन की आड़ में किसानों की कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाँव गली में जाकर किसानों के पास सच्चाई बता रहे हैं, और ये आंदोलन किसानों का न होकर के विपक्षी दलों का है, ये जनता जान चुकी है। भैया बेरोजगारी के बराबर आरोप लगा के आप चिंता मत करिए, सब ठीक ठाक है, ये विपक्षी दलों का केवल हथकंडा है, इसमें बुरी तरह से फेल हो गए।